मारी हो, मैं बनी हो यूट्यूबर। अरे चाचा जाओ यूट्यूबर तो हम ही बना, तुम का घंटा बनी। अरे ये लाठी मारी हो, मैं बनी हो यूट्यूबर। चाचा चुप पे रहो, हाँ यूट्यूबर तो हम ही बना। बड़े यार ना कुछ पता ना था, चल दिन यूट्यूबर बना, यूट्यूबर बना। अरे दुनिया का तेरा तूफान ना बता, मैं यूट्यूबर बनी हो साफ की बात है। ऐसा है ना, तुम बताइए ना, हम बताइए बताई मासी बार तो शुक्ला हम बुलाई तब कोई हजार बुला कौन है सारे। ऐसी बात ही ना, ही ना बता सारे कौन बने यूट्यूबर, चाचा बनी है कि मैं बनी हूँ। बताओ बताओ कौन बुला रहा, कहाँ हुई का दिक्कत, का दिक्कत बताओ। क्या बाबू बेटा कौन यूट्यूबर बनी, मैं बनी हूँ कि यह बनी। हटो इधर तो चाचा, इधर यार हम बताएंगे कौन यूट्यूबर बनेगा। हटो यार चाचा उधर जाओ। अच्छा ठीक है मैं हटा, तो बता जल्दी कौन बनी यूट्यूबर। बड़े आए हम बताएंगे यूट्यूबर बनेगा कौन, आपको भी बताएंगे। और चाचा किनारे हटो, उधर से शांति भाई के देखो ठीक है, पान न चबाओ, किनारे हटो। तुम भाजी उधर चलो, उधर किनारे बैठो। बड़े आए कुछ तुमका पता है, कुछ तुमका पता है चाचा यूट्यूबर कौन बनी, हम बताइए। चल दिए ध्यान से देखिएगा आप लोग भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये है भाई चाचा जी, चाचा जी यही चाचा जी पान चबावत रहे हैं। यही है नीचे भतीजे, चाचा के भतीजे ठीक है। अब इन दोनों में आखिर यूट्यूबर बनेगा कौन, इससे पहले हम बताएं, पहले ये चश्मा हटाते हैं ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भैया चाचा जी हैं, ये यूट्यूब पर कैसे काम करते हैं ठीक है, और ये भतीजे जी हैं, ये यूट्यूब पर कैसे काम करते हैं। इनकी आप अगर एक्टिविटी सही तरीके से समझते हो तो 100% आपको पता चलेगा कि आखिर यूट्यूबर इनमें से कौन बनेगा। और आपको देखना है कि इन दोनों में से आप कौन सी गलती कर रहे हो या कौन से सही काम कर रहे हो जो आपको भी यूट्यूबर बनाएगा, और चाचा तुमको भी और भतीजे तुमको भी ठीक है। चलिए एक एक विषय की डिटेल में बात करते हैं। यहां पर ये जो आपको एक ग्राफ दिख रहा है और एक ग्राफ दिख रहा है, सारा गेम यहीं पर। अब इन दोनों ग्राफ में देखते हैं कि आखिर यूट्यूबर बनेगा कौन ठीक है। इसलिए भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब भैया ये चाचा जी, आपके प्यारे चाचा, गांव के चाचा, यूट्यूबर बनना चाहते हैं क्योंकि पता चला है कि भैया यूट्यूबर में बहुत तबाही लेवल का पैसा है ठीक है। अब भैया यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब ये जो गोला है इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चाचा ना इस गोले के हिसाब से ही काम कर रहे हैं ठीक है। एक एक करके डिटेल में बताता हूं। पहला जो गोला है वहां पर लिखा हुआ है EVU, ये क्या है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये जो चाचा है ना, चाचा एवरी डे वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं। अब भैया आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर यही सिखा रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अपने चैनल पर रोज वीडियो अपलोड करनी है, समझ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं, बात समझ गए। अब भैया बिल्कुल ध्यान समझना, जो भी रोज एक वीडियो अपलोड करेगा उसका चैनल तो कभी भी ग्रो होने वाला नहीं है, मतलब चाचा का पहला काम फेल हो गया। जो चाचा रोज कर रहे हैं ना, रोज वीडियो अपलोड करते हैं, ये काम बिल्कुल गलत है ठीक है। अब दूसरा काम चाचा क्या करते हैं, BRT। अब ये क्या है भैया, बोरिंग रिपीटेड थंबनेल, मतलब ये जो अपने वीडियो के थंबनेल बनाते हैं ये बोरिंग होता है और रिपीटेड होता है। अब ऐसा क्यों होता है भैया, क्योंकि जब भैया बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख करके चाचा ने ये जान लिया कि रोज वीडियो अपलोड करना है, तो आप बताइए ये रोज थंबनेल बनाएंगे, और जब रोज थंबनेल बनाएंगे तो बताइए सीखेंगे क्या, ये रोज वही बोरिंग थंबनेल बना देंगे, जिस तरह के थंबनेल चल रहे हैं यूट्यूब पे उसी तरीके का थंबनेल ये बना देंगे। और यही काम चाचा जी रोज करते हैं ठीक है, अभी भी ये फेल हो गए। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, जो भी भैया रिपीट मोड पे बोरिंग थंबनेल बना रहा है उसको तो यूट्यूब पे फेल होना ही है। लेकिन अभी एंड में देखेंगे कि आखिर यूट्यूबर बनेगा कौन, बहुत ट्विस्ट आने वाला है इस वीडियो पे, इसलिए पूरा वीडियो देखना ठीक है। इसके बाद भैया यहां पर तो चाचा फेल हो गए, यहां पे भी फेल हो गए ठीक है। अब आता है यहां पर ये वाली बारी, यहां पर लिखा है BRE। अब ये क्या है भैया, बोरिंग रिपीटेड एडिटिंग, मतलब भैया चाचा के पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि चाचा को भैया रोज देना है एक वीडियो है ना। अब ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर ने उनको बताया है, चाहे वो मनोज दे हो, चाहे टेक्निकल योगी हो, चाहे वीमे क्रिएटर हो, चाहे एक्टिव राहुल हो, ये जितने बड़े क्रिएटर हैं ये आपको यही तो प्रोत्साहित करते हैं कि रोज वीडियो अपलोड करो, फिर चाहे वीडियो हगा हंसका है ना हो ठीक है, लेकिन वीडियो रोज अपलोड करना है। इस चक्कर में ये एडिटिंग सीख नहीं रहे हैं और रोज वही बोरिंग एडिटिंग करते हैं रिपीट मोड पे।
जिस वजह से इनके फेल होने के चांसेस 100% खासकर 2024 में, क्योंकि आज की डेट पर जो भी व्यूअर आ रहे हैं उनको बड़ा क्वालिटी ऑफ कंटेंट पसंद है। बात समझ गए? उसके बाद भैया जब ये तीन चीजें अप्लाई करेंगे अपने चैनल पर तो इनका फेल होना तय है, तय है। समझे चाचा? फेल हो जाइए यूट्यूब में। तो चाचा तो भैया यूट्यूब में फेल हो गए, कभी यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे, है ना। अब देखते हैं भतीजा ऐसा क्या कर रहा है। भतीजा तुम का है कहीं ना, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखते हैं भतीजा क्या कर रहा है और क्या भतीजा यूट्यूबर बन पाएगा। बात समझिएगा ध्यान से। तो भतीजा क्या कर रहा है, अपना यहां पर क्या लिखा हुआ है, GVU। अब ये GVU क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब ये है भैया GVU क्या है, जी मतलब होता है गैपिंग दे करके और वी मतलब वीडियो, यू मतलब अपलोड। मतलब भतीजा क्या कर रहा है, थोड़ा गैपिंग दे करके वीडियो अपलोड कर रहा है, समझ गए। मतलब 2-3 दिन का गैप ले लेता है, हैं? और 2-3 दिन जो बीच में होते हैं उस पर सोचता है कि कैसा कंटेंट लाना है, कुछ नया करते हुए वीडियो बनाना है, ऐसा कुछ लाना है जो लोगों को पसंद आए, मतलब उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। वहीं पर चाचा लोगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ एक बात को पकड़ के चल रहे थे, रोज वीडियो डालना है तो डालना है, तो डालना है तो डालना है, साफ सी बात, नो बकवास, ठीक है। लेकिन इन्होंने जनता को ध्यान दिया, व्यूअर को ध्यान दिया, और इन्होंने सोचा कि भाई हमको रोज वीडियो नहीं अपलोड करनी, हमको तो भैया साफ सी बात है गैपिंग दे देकर वीडियो अपलोड करनी, ठीक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट अपलोड करना है। चाहे 4 दिन में वीडियो आए लेकिन जब आएगी तो मार्केट में तहलका मचा देगी, समझ गए। अब उसके बाद ये दूसरा काम क्या कर रहा है, अभी लास्ट में देखेंगे कि ये यूट्यूबर बनेंगे कि नहीं, अभी हमें भी नहीं पता बनेंगे कि नहीं, सारी चीजें एनालिसिस करते हैं और फिर पता चलेगा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है VST, ये क्या है भैया, ये है वेरी स्मार्ट थंबनेल। अब ये क्या है भैया, आप समझिएगा, जब इन्होंने गैपिंग ले ली 2-3 दिन की तो ये ना यूट्यूब पर बढ़िया अच्छे से रिसर्च करते हैं और जब अपना थंबनेल बनाते हैं ना तो उस थंबनेल को बिल्कुल आज के समय के हिसाब से अपना थंबनेल बनाते हैं और अपना थंबनेल बनाने में 2-2, 3-3 घंटा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि थंबनेल में ना बनाते समय बहुत चीजों का ध्यान देना पड़ता है, कलर किस तरीके का रखना है, फॉन्ट स्टाइल कैसे रखनी है, ठीक है, फोटो का पोज कैसा होना चाहिए, फोटो में जो आप अपनी थंबनेल में जो आप अपनी फोटो लगा रहे हैं उसमें आपका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंगेजिंग थंबनेल बने, समझ गए। तो इन सारी चीजों का ये ध्यान रखते हैं और ध्यान क्यों रख पाते हैं, क्योंकि इनके पास में समय है, क्योंकि इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमको रोज वीडियो नहीं अपलोड करनी, चाहे 3 दिन में आएगी वीडियो लेकिन जब आएगी तो थंबनेल के भी फॉर्म पे वो मात नहीं खाएगी, क्योंकि आपको पता है एक यूट्यूबर के लिए उसके वीडियो के लिए थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो थंबनेल पे भी काम करता है, आज के हिसाब से वो थंबनेल बनाता है, जैसे आज के समय में थंबनेल चल रहे हैं उस तरीके के थंबनेल बनाता है, ठीक है। अब भैया इसके बाद ये क्या करते हैं, TVE। अब ये TVE क्या है, टी मतलब ट्रेंडिंग, वी मतलब वीडियो, ई मतलब एडिटिंग, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अपने वीडियो को ट्रेंडिंग, जो इस समय एडिटिंग चल रही है, जैसे वीडियो ट्रेंडिंग होते हैं, थंबनेल ट्रेंडिंग होते हैं, उसी तरह वीडियो की एडिटिंग भी ट्रेंडिंग होती है, ऐसी एडिटिंग जो बड़े बड़े क्रिएटर यूज कर रहे हैं, समझ गए, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर, बात समझ गए, जैसे ध्रुव राठी, है ना, जैसे कैरी मिनाटी, जैसे बीबी गिवाइंस, जैसे आशीष चल चला, मतलब जो इस समय ट्रेंडिंग, मतलब इस समय पर जिस तरीके की एडिटिंग चल रही है उस तरीके की एडिटिंग ये अपने वीडियो पे कर रहे हैं। और ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, ये अपने वीडियो को अपलोड करने में गैपिंग देते हैं तो इनको समय मिल जाता है। लेकिन चाचा के पास कोई समय नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया वही बड़े यूट्यूबर की बात सुन ली और रोज वीडियो अपलोड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इनको लगता है चाचा को कि रोज वीडियो अपलोड करने से यूट्यूबर ये बन जाएंगे, है ना। लेकिन ये भैया लगातार भांजा अपनी स्किल पे काम कर रहा है और इन्होंने स्किल पे काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ भैया क्वांटिटी पे काम किया कि रोज वीडियो डालो चाहे जौन डालो। और ये करने के बाद चाचा तो यूट्यूब पर फेल हो जाएंगे लेकिन मैं लिख कर कहता हूं कि भांजा यूट्यूब पर पास हो जाएगा, ये भांजा जो है ना ये यूट्यूबर बन जाएगा,
क्योंकि इसने अपनी स्किल में ध्यान दिया है, अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट में ध्यान दिया है, अपने थंबनेल पे ध्यान दिया है, वीडियो एडिटिंग पे ध्यान दिया है। ये बड़े बड़े यूट्यूबरों के बहकावे में नहीं आया, उसने अपना दिमाग खुद का खोला है, तब जाकर के वो 100% सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएगा। बात समझे? और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग ये वाली गलती कर रहे हैं या नहीं। अगर ये गलती कर रहे हैं मेरे भाई, तो आज से ये चाचा वाली गलती करना बंद कर दो। 2 दिन में वीडियो लाना, लेकिन ऐसा लाना कि मार्केट में तहलका मचा दे। शायद कुछ दिन पहले मैं भी ऐसी गलती कर रहा था, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि यूट्यूब का खेल है क्या। भले साला 2 दिन में वीडियो आए, लेकिन ऐसी आएगी जो मार्केट में तहलका मचा देगी। बात समझ गए? तो ऐसा काम करो जिससे आपके काम की जय जयकार हो। बात समझ गए? क्वांटिटी की जय जयकार ना हो कि अरे भैया ये तो रोज वीडियो अपलोड करते हैं, भले टट्टी करके वीडियो अपलोड कर दे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और चाचा थोड़ा कायदे में काम करिए, गलत काम कर रहे थे। भांजे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, ठीक है। अब आप लोग भी इस वीडियो से समझिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं। अगर गलत तरीके से काम करें तो अभी से अपने काम को सुधारिए, ठीक है। उम्मीद है आज के वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में समझ में आया है कुछ तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।